11:30 का और मैं रेडी हुई हूँ मम्मा के घर जाने के लिए। तो ये मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगी कि मैं मम्मा के घर क्यों जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अभी हम आ गए हैं मम्मा के घर में और मम्मा का यहाँ चल रहा है पियानो टाइम, क्योंकि आरवी और अयान सीखते हैं पियानो, और सॉरी पियानो नहीं कीबोर्ड। और इसलिए हमारा भी मन कर जाता है, मैं भी घर में बड़ी बार बजाती हूँ और मम्मा भी वही कर रहे हैं। और मैं उनको शूट कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा शूट करती हूँ आपका बजाते हुए। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ मम्मा के घर में और ये पीछे कौन है मेरे साथ, ये है मेरी प्यारी मॉम। और मम्मा आज क्या है, मम्मा बताएंगे आपको आज क्या है। मैंने आपको कहा था मम्मा के घर जाके मैं आपको बताऊंगी, तो मम्मा आपको सब कुछ बताएंगे। आज गर्मियों का एक ऐसा दिन होता है कि इसमें बेटियों को घर बुलाया जाता है। आज देसी तारीख है, नया महीना शुरू है, देसी महीने की आज संक्रांति का दिन है। और संक्रांति के इस महीने की संक्रांत में बेटियों को घर बुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है और एक अच्छा इस दिन को मान के चलते हैं कि बेटियों को बहुत ज़रूरी बुलाना चाहिए अपने घर में। मैंने इसको बुलाया नहीं था, इसने थोड़ा सा गुस्सा कर लिया। मैं कहा जब मैं बुलाती हूँ आप आते नहीं हो, तो मैं खाना बना के रख देती हूँ, खाने वाला नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा परिवार ही बहुत छोटा सा परिवार है हमारा। बेटियाँ अपने ससुराल में है, बेटा अपनी जॉब पे चला जाता है, बहू मैंने अभी लाई नहीं है पर लाने की तैयारी चल रही है। घर में वैसे गंदगी भी बहुत फैली हुई है क्योंकि काम हमारे घर में चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अभी टाइम भी बहुत कम बचा है शादी में। मम्मा ने मेरे लिए एक गिफ्ट भी लाया है। हाँ, इस दिन हमारे में क्या होता है कि हमारे डोगरों का कल्चर, बाकी का तो मुझे पता नहीं कैसा चलता है, हमारे डोगरों के कल्चर में बेटियों को पानी पीने के लिए कोई बर्तन दिया जाता है और इसमें दान भी दिया। इस दिन आज के दिन बहुत सारा दान दिया जाता है लोगों को, अगर कोई देने के काबिल कोई कपड़े देता है और कोई पंखा हाथ की बनी, पहले हमारे टाइम पे हैंड फैन हुआ करते थे और पंखी बोलते थे, तो वो दिया करते थे और बेटियों को घर बुलाया जाता था। हमारे जब हम गाँव में रहते थे वहाँ पर जैसे ही नई फसल आती थी तो इस महीने कनक का सीज़न होता था, कनक लेके वो जब घड़ा हम दान करते थे, घड़े के साथ कनक रखी जाती थी और वो बेटियों को दी जाती थी। पर यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने चीनी रखी है और गिलास लाए हैं इसके लिए ये, और इसके साथ मैंने इसको पानी से भर के रखा हुआ था लेकिन अभी खाली किए, ड्राई किए, इसने घर लेके जाने हैं और चीनी रखी थी इसके साथ, तो जो पॉसिबल हो सका वो हमने किया। और अभी हो गया है लंच टाइम। हाँ, और हम करेंगे लंच की तैयारी हो चुकी है, लंच हमारा रेडी है, तो इसके बाद हम लंच बच्चों को करवाएंगे। बच्चे आज यही बच्चा है घर में, बाकी के सारे चले गए। अभी यहाँ पे हो गया हमारा लंच टाइम और मॉम ने बनाए थे यमी यमी राजमा। राजमा मेरे फेवरेट हैं और यहाँ पे हमने बनाई थी पम्पकिन की सब्ज़ी इमली डाल के। और हमारे यहाँ पे ये बड़ी खाई जाती है, ये जो डोगरी कल्चर है उसमें इसको हम बड़ा खाते हैं और इसको हम बोलते हैं अम्बल या कद्दू का खट्टा भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे है सैलेड और ये है मेरी प्लेट और अभी हम लंच करने जा रहे हैं और आप भी खा लीजिए हमारे साथ। और बस यहाँ पे हो गया हमारा लंच टाइम और यहाँ पे सिर्फ मैं और मम्मा ही लंच करेंगे क्योंकि आरवी को अभी नहीं खाना था, वो ठहर के खाएंगे। वो बोल रहे थे मुझे अभी भूख नहीं है, तो सिर्फ मैं और मम्मा ही है लंच करने वाले और पापा भी अभी नहीं आए थे और एक आंटी भी हैं वो काम करने के लिए आते हैं, लेकिन वो अभी ऊपर उनकी साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी तो वो बोलते मैं ठहर के खाऊंगी, तो वो भी नहीं थे हमारे साथ खाने के लिए, सिर्फ मैं और मम्मा ही थे। मम्मा को भी ज़्यादा भूख नहीं थी लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ मैंने तो मुझे अकेले खाना पड़ता है और अकेले खाना खाने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए फिर मम्मा ने मेरे साथ थोड़े से चावल खाए और राजमा और सब कुछ इतना टेस्टी हुआ था, मज़ा आ गया खाना खाने का। और मम्मा बोलते कि पूड़ी वगैरह भी बनाते। आ जाओ वो भी आ जाओ। ये की हाय तो वो भी आपको तो हाय। ये मोबू, इसका नाम है मोबी और इसका नाम है फ्रैंकी। तो राइम सुना दो, अच्छी सी राइम सुनाओ। ट्विंकल मोबी और फ्रैंकी जो हैं वो मेरी कज़न के बच्चे हैं, दोनों सिस्टर्स हैं। एक का नाम है मोनिका और एक का नाम है पूजा, और पूजा का बेटा है फ्रैंकी और मोनिका की बेटी है मोबी। और बस ये दोनों डांस करके, और बच्चों को होता है ना जब कोई आता है तो फिर ज़्यादा कुछ कुछ करके दिखाते हैं, तो इधर मोबी और फ्रैंकी का डांस चल रहा था, उनका फेवरेट सॉन्ग लगाया था हमने। आज का जो दिन था वो बड़ा ही मज़ेदार था और मम्मा के साथ भी खूब बातें वगैरह की मैंने। और जैसे कि मेरी कज़न्स भी आई थी दो, और एक कज़न आके चली गई थी, वो मुझे नहीं मिली थी, और बस उनके साथ बाकी गप्पें वगैरह हमारी और पुरानी बातें वगैरह शेयर की, बड़ा मज़ा आया। और बड़े दिन के बाद, मतलब मायके में यही होता है कि जब सारे इकट्ठे होते हैं हम तो फिर हम खूब इंजॉय करते हैं, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है और कब शाम होगी कब टाइम हो गया वापस आने का पता ही नहीं चला। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पापा ने एक न्यू कूलर लाया था। ये वाइट ड्रेस में मेरे पापा हैं और ये ब्लू शर्ट में मेरा कज़न है मुनीश। और पापा ने नया कूलर लाया था तो बस पापा बोलते इसको निकाल के लगाते हैं कि कैसे चलता है ये या कैसी हवा देता है। अच्छा कूलर था ये और ये सिम्फनी का कूलर है। और अब इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।